प्रेगनेंसी का वैसे तो हर महीना ही खास होता है, लेकिन आज हम सिर्फ 9वें महीने की बात करेंगे। इस आखिरी महीने में महिलाएं काफी थका हुआ भी महसूस करती हैं, क्योंकि बच्चे का वजन काफी बढ़ जाता है। 9वें महीने के दौरान कुछ महिलाएं अपने बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुट जाती हैं, जबकि कुछ के मन में डिलीवरी को लेकर डर बना रहता है। इस आखिरी महीने में गर्भवती को कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तनाव है खतरनाक, इसलिए इससे रहें दूर। तनाव लेना प्रेगनेंसी के किसी भी माह अच्छा नहीं माना जाता। हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी जिएंगे तो आपके भ्रूण में पल रहा बच्चा कई तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बच सकता है। वहीं अगर आप 9वें महीने में तनाव लेते हैं तो डिलीवरी टाइम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने मनपसंद काम करें जिससे आपको खुशी महसूस हो। इसके लिए पॉजिटिव रहें, हेल्दी डाइट खाएं और म्यूजिक सुने। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ब्रीदिंग ट्रिक सीखना बहुत ही जरूरी है। गर्भावस्था के 9वें महीने में क्या क्या लक्षण नजर आते हैं? इस महीने स्तनों से पीले रंग का स्त्राव होने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कई महिलाओं में ये लक्षण 9वें महीने में ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने शिशु का विकास पूरी तरह हो जाता है, जिसके चलते बार बार यूरिन आने लगता है। हालांकि ये सामान्य बात ही है, क्योंकि इससे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन की समस्या भी अंत में होने लगती है। ये प्रसव पीड़ा जितनी तीव्र नहीं होती और ना ही ज्यादा पीड़ादायक होती है, लेकिन अगर ये 1 घंटे में 4 बार से ज्यादा हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। डिलीवरी के कुछ हफ्ते पहले आपको सीने में जलन व सांस लेने की तकलीफ से आपको राहत मिल जाएगा, क्योंकि इस दौरान शिशु जन्म के लिए अपनी स्थिति ले लेता है और नीचे की ओर आ जाता है। बच्चे की एक्टिविटी में अंतर आएगा। आखिरी दिनों तक शिशु का विकास पूरी तरह हो जाता है, इस वजह से उसे गर्भ में हिलने जुलने की जगह नहीं मिल पाती। 9वें महीने में योनि स्त्राव के साथ हल्का रक्त आ सकता है। ये प्रसव के कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले हो सकता है। अगर ऐसा ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, गर्भवती का श्रोणि भाग खुलने लगता है। पीठ में तेज दर्द हो सकता है। गर्भवती के लिए झुकना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। 9वें महीने में गर्भावस्था की देखभाल। गर्भवती क्या खाती है, क्या पीती है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका सीधा प्रभाव होने वाले शिशु पर पड़ता है, इसलिए गर्भवती को एक खास देखभाल की जरूरत होती है। गर्भावस्था के 9वें महीने में क्या खाए? फाइबर युक्त खाना, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ओट्स व दालें खाए। आयरन युक्त खाना, पालक, सेब, ब्रोकली व खजूर खाए। अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन खा सकती हैं। कैल्शियम युक्त भोजन। गर्भावस्था में कैल्शियम युक्त भोजन खाना जरूरी है। इसके लिए आप डेयरी उत्पाद व दही आदि का सेवन कर सकती हैं। विटामिन सी युक्त भोजन। शरीर में आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाना जरूरी है। नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी व टमाटर खाए। फॉलेट युक्त आहार। गर्भावस्था के दौरान फॉलेट युक्त चीजें खाना जरूरी है। इसके लिए गर्भवती को हरे पत्तेदार सब्जियों व बीन्स का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के 9वें महीने में क्या ना खाए? कैफीन युक्त चीजें जैसे कॉफी, चाय व ज्यादा चॉकलेट खाने से परहेज करें। चाय कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। अल्कोहल और मादक चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। जंक फूड, बाहर का खाना, कच्चा मांस, अंडे व मछली ना खाए। इनसे भ्रूण के विकास में बाधा पहुँचती है। 9वें महीने के लिए व्यायाम। सुबह शाम की सैर और सांस संबंधी व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम करें। योग करें, लेकिन एक्सपर्ट्स की निगरानी में। आप कीगल व्यायाम और एरोबिक्स कर सकती हैं। गर्भवती अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाती रहें। शुगर और प्रोटीन के स्तर के लिए यूरिन टेस्ट करवाएं। गर्भावस्था के 9वें महीने के दौरान सावधानियां। क्या करें और क्या नहीं? क्या करें? स्विमिंग पूल में जाकर कुछ देर रिलैक्स हो सकती है, इससे तनाव से राहत मिलती है। इस दौरान गुनगुने पानी से नहाएं, लेकिन पानी ज्यादा गर्म ना हो। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं। क्या ना करें? तनाव बिल्कुल ना लें। 9वें महीने में जितना हो सके आराम करें और घर के कामों में खुद को ज्यादा ना उलझाएं। पेट के बल नीचे की ओर ना झुकें और भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं। ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें, इससे आपको थकान हो सकती है। पीठ के बल ना सोएं, तुरंत डॉक्टर से मिलें। पेट पे तेज दर्द होने पर, पानी की थैली फटना, योनि से भारी रक्त स्राव होने पर, हाथ पैरों में सूजन आने पर, धुंधला दिखाई देने पर, ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं, क्योंकि ये समय आपके प्रसव का हो सकता है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।